वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, तो सॉरी 3 वीडियोस गुजर चुकी हैं फॉर, और मैंने कभी अपना नाम भी नहीं बताया। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है आमना राशिद व्लॉग्स, तो मेरा नाम आमना है और राशिद मेरे हस्बैंड का नाम है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शाम की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ, गेस कर रहे हैं शाम को मैं क्या बनाने वाली हूँ? नहीं तो चलिए मैं ही बताती हूँ कि आज आपको मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये इतनी कम सब्जी इसलिए है क्योंकि घर में हम सिर्फ 2 लोग होते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि बिटिया के ताया भी जो हैं वो भी अक्सर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा बना देती हूँ। कि चलो कम जो होती है वो अच्छा नहीं होता, अगर बढ़ जाए तो अच्छा है। तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि अगर कोई आए तो फिर मुझे मेरे लिए कम ना पड़ जाए। तो अभी मैं सब्जी काटती हूँ, काट के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को बनाती हूँ कि मैं सब्जी किस तरह से बनाती हूँ। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे लिए तो मतलब वही अच्छा है। मैं तो वही खुशी खुशी यूज़ करती हूँ। मुझे मेहनत सब्जी पर ज़्यादा मेहनत करना मुझे वो नहीं लगता इतना खास, क्योंकि मतलब शुरू से जैसे मम्मा ने बताया मैं वैसे ही बनाती हूँ। स्टार्ट में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं करना आता था, तो मम्मी मुझे इजी तरीके बताती थी और मैं आज तक उन्हीं को फॉलो करती आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे काट के लेके आती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ इसका सबसे ईजी तरीका। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग जो बैंगन है वो कैसे बनाते हैं, आप लोगों की रेसिपी क्या है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे टेस्टी बनते हैं या जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे टेस्टी बनते हैं। लोग देख सकते हैं मैंने बैंगन, आलू और प्याज जो है वो मैं काट लिया और मैंने मिक्स से काटे हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप लोगों को जल्दी जल्दी काम करना है, कहीं जाना है या कहीं से आए हैं और टाइम शॉर्ट है, भूख लगी है, खाना खाना है, तो आप लोग जल्दी से इसको इस तरह से बना के तो आप लोग खा सकते हैं। मतलब इसी तरह नहीं खा सकते, इस तरह मिक्स सब्जियाँ वगैरह काट के और आप जो है चूल्हे पे इसको रख दें, इसमें नमक मिर्च हल्दी मसाला अदरक लहसुन हम मतलब टमाटर हर चीज़ डाल के इसको मिक्स करके रख दें और ढक्कन है वो अच्छे से बंद कर दें। मैं मतलब आपको साथ साथ बताऊंगी अभी क्या बताना। अभी फ़िलहाल आप ये देखें मैंने सब्जी जो है वो काट ली है और ये लहसुन अदरक और प्याज और सॉरी टमाटर हरी मिर्च और धनिया हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और अब मैं इसको वॉश करूँगी, वॉश करके फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं इसको किस तरह से बनाऊँगी। तो ये देखिए अब मैंने इसमें जो है सारा कुछ मिक्स करके डाल दिया है, सब्ज़ी भी, आलू भी और टमाटर भी, प्याज भी, लहसुन भी, अदरक भी और हरी मिर्च भी डाल के पहले मैंने इसको थोड़ा सा भुना है सबसे पहले इसको। तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगा के दम पे लगा दिया है। थोड़ी देर बाद इसको अभी मैं इसको ढक दूँगी, थोड़ी देर बाद दोबारा इसको ओपन करूँगी। ओपन करके तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी और उसके बाद हम बनाएंगे हबीबी के लिए रोटी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कैसा होता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ तो बनाते ही नहीं है खाना वगैरह। तो फिर हम लोग आपको दिखाएँगे इसका फाइनल लुक। गाइस तो अभी हम ओपन करके देखेंगे इसको कि कितना रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। इसमें देखिए ऑयल कितना ज़्यादा जो है छुटी है इसमें से अलग हो गया और ये बताइए। तो जो हमारे घर में जो बैंगन जो सब्जी और आलू क्या लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ हो गया है, इतना काफ़ी है। फिर जो आलू है वो अच्छे से अगर इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिए तो फिर इतना भी अच्छा नहीं लगता। देखिए काफ़ी हद तक है जो कुछ हो गया है, अब ये हो गया है रेडी। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग कैसे खाते हैं और आपके घर में किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। और इसके ऊपर भी हम डालेंगे धनिया, क्योंकि धनिया जो है मेरे हबीबी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हर सब्जी में और हर दाल में लाजमी होता है, इसके बगैर तो हबीबी को जैसे कि खाना अच्छा ही नहीं लगता। उसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा इसमें। अभी क्योंकि मेरा हैंड जो है वो फ्री नहीं है तो मैं हल्का हल्का सा इसी तरह से डाल दूँगी। तो ये हो गया जी इसमें सफ़ेद ज़ीरा और इसमें मैंने जो है धनिया भी डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा भी। अभी इसको हम हल्की सी आंच पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे, फिर इसे अच्छा सा लगता है।
अच्छा लगता है। तो अभी हम गैस ऑन करेंगे। ये हो गया। तो अभी जो है जोया पूरी है कि मामा मुझे चिप्स खाने हैं आलू की, तो हम अभी उसी के लिए बनाएंगे चिप्स। सबसे पहले मैं आलू को काट लूँ अच्छे से। बनने वाली है चिप्स भाई। मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लगता है ये बनाते हुए। हो रही है भाई, और गया गई है अपने बाबा के साथ चीजी लेने के लिए। तो जब वापस आएंगे तो हम उसको देंगे चिप्स, और फिर हम बनाएंगे हबीबी के लिए रोटी। तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। तो सोया के लिए जो चिप्स थी वो भी रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। बस वो थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, वो इसलिए कि हबीबी आ गए थे और मैं दरवाज़ा खोलने गेट खोलने चले गई थी। तो उसके बाद उनको पानी पिलाया, वापस आए तो बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी भूल गई थी कि मैंने जो है वो चिप्स रखी हुई है सोया के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को जैसे रोटियाँ बनाई वो भी दिखाई, कैसे बनाई रोटियाँ और मेरी रोटी गोल है या नहीं। जैसी भी है, खानी तो रोटी है, खानी तो तोड़ के ही है, जानी तो पेट में ही है, कौन सा पेट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वो मैंने पहले बोल दिया। तो नेक्स्ट मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि मैं वीडियो क्या लेके आऊँ, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।